दोस्तों, वन संपदा से सुसज्जित झारखंड प्राकृतिक दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से लगने वाला ये राज्य एक विस्तृत आदिवासी लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले खनिज भारतीय निर्माण उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ कोयले और लौह अयस्क की बहुत सी बड़ी खदान मौजूद है। इन सब से परे अगर बात पर्यटन की हो तो ये राज्य इस मामले में भी किसी राज्य से कम नहीं है। झारखंड में ऐसे बहुत से खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं जो न आपको सिर्फ मानसिक शांति प्रदान करेंगे बल्कि राज्य की लोक संस्कृति को जानने का अवसर भी प्रदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपको झारखंड के 20 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पतरातू वैली। दोस्तों, यदि आप लुभावनी और लंबी घुमावदार सड़कों से गुजरना चाहते हैं तो आपको पतरातू वैली अवश्य आना चाहिए। यहाँ आकर आपकी छुट्टी परिपूर्ण बन जाएगी। रांची से घाटी तक ड्राइव हर बाइक प्रेमी के लिए खुशी का पल होता है। एस्टन, हेयर पिन और स्वूपिंग कॉर्नर और तेजस्वी विस्टा ड्राइव को और अधिक रोमांचक बनाते हैं। ये पिकनिक के लिए एक शानदार जगह है और रांची से इसकी दूरी 34 किलोमीटर है। नंबर 2, नेतरहाट। दोस्तों, लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। यहाँ विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और ये छुट्टी बिताने का एक आकर्षण का केंद्र है। ये जगह समुद्र तल से 1128 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कई वाटरफॉल्स के साथ सनराइज और सनसेट पॉइंट भी है। कहा जाता है कि अंग्रेज की बेटी को एक चरवाहे से प्यार हो जाता है। इनके प्यार को सामाजिक मान्यता नहीं मिलने के कारण चरवाहे की हत्या हो जाती है। चरवाहे की हत्या से दुखी अंग्रेज की बेटी मैग्नोलिया पहाड़ी की चोटी से कूद कर जान दे देती है। इसी चोटी से सनसेट पॉइंट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ रांची से सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। नंबर 3, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर स्थित है। ये अभयारण्य जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर और रांची शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस अभयारण्य के प्राकृतिक आवास में भारतीय हाथी, भौंकने वाले हिरण, स्लोथ बियर एवं साहिल जैसे जंगली जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नंबर 4, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिलों के जंगलों में विस्तृत है। इसमें पालामऊ व्याघ्र आरक्षित वन के 1026 वर्ग किलोमीटर के अलावा 289 वर्ग किलोमीटर के अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। पार्क में वन्य जीवन की एक विस्तृत विविधता है। बेतला निम्न शब्दों का संक्षिप्त नाम है: बाइसन, हाथी, शेर, तेंदुआ, धूरी अक्ष। नंबर 5, कांके डैम रॉक गार्डन रांची। दोस्तों, रांची में रॉक गार्डन को शहर के साथ साथ राज्य के सबसे अधिक देखे जाने वाले जगहों में से एक माना जाता है। रांची में प्रसिद्ध रॉक गार्डन अल्बर्ट एक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जयपुर के बगीचे के बाद रांची रॉक गार्डन महत्व और प्रसिद्धि में दूसरा स्थान है। रांची में रॉक गार्डन गोंडा हिल के चट्टानों से बना था। राजधानी रांची में स्थित इस चट्टान बगीचे में दो किनारों के साथ लोहे की छड़ी से बना झूला है। मूर्तियों और झरने के विभिन्न रूप इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। इस जगह का दौरा कई लोगों द्वारा किया जाता है जो अंतहीन क्षितिज और प्रकृति के सौम्य स्पर्श से इस बगीचे में आकर्षित होते हैं जो यहाँ पर पाए जा सकते हैं। रॉक गार्डन को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जहाँ लोगों के बड़े समूह एक साथ गुणवत्ता का समय बिता सकते हैं। नंबर 6, बिरसा जूलॉजिकल पार्क रांची। दोस्तों, यदि आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क एक बेहतरीन विकल्प है। ये पार्क बाघ, शेर और हिरण सहित कई प्रकार की पशु प्रजातियों का घर है। यदि आप एक वन्य जीव उत्साही हैं तो आप यहां से वन्य जीवों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आप यहाँ पशु गोद लेने के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चिड़ियाघर में प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी कैंटीन है जो स्नैक्स और पेय पदार्थ परोसती है। इसकी रांची से दूरी 26 किलोमीटर है। यहाँ आने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। नंबर 7, मैसेंजर डैम। दोस्तों, मैसेंजर डैम दुमका से 31 किलोमीटर दूर है। दुमका सिउरी रोड पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सिउरी इस बांध से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इस बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर 1955 में बिजली उत्पादन के लिए कनाडा की मदद से हुआ था। कनाडा की वास्तुशिल्प शैली में बने होने के कारण इस बांध को कनाडा बांध या पियर्सन बांध भी कहा जा सकता है। नंबर 8, रांची पहाड़ी मंदिर। दोस्तों, पहाड़ी मंदिर शहर का सबसे शानदार जगह है। ये 2140 फीट की ऊंचाई पर रांची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ साल भर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, खासकर श्रावण महीने के दौरान यहाँ बड़ी भीड़ होती है। मंदिर भक्तों के बीच पूजनीय हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ कई शक्तियाँ हैं। पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहां आप सुबह से दोपहर तक और दोपहर बाद शाम तक आ सकते हैं। नंबर 9, दशम फॉल। दोस्तों, रांची शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दशम फॉल झारखंड में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह है। इस झरने की एक खासियत ये है कि जब यह अपनी अधिकतम महिमा पर होती है तो आप पानी की 10 धाराओं को प्लंज पूल में गिरते हुए देख सकते हैं। धीरे धीरे पर्यटन में वृद्धि के कारण यहाँ कई रेस्टोरेंट और स्वच्छ टॉयलेट बनाए गए हैं। यहाँ की यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक हो गई है। जंगल झाड़ के बीच सुरमई वातावरण में यहाँ कांची नदी का निर्मल जल 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह दृश्य काफी मनोहारी लगता है। नंबर 10, मैथन डैम। दोस्तों, मैथन डैम धनबाद के कोयला शहर से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अद्वितीय है। जिस झील पर यह बनाया गया है वो 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। ये वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। नंबर 11, तमासीन वाटरफॉल। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार विविधताओं से भरा है। उबड़ खाबड़ चट्टानी धरती ने कई मनमोहक छटाएं बिखेरी हैं। उन्हीं में से एक है चतरा में अवस्थित तमासीन वाटरफॉल। यहां एक ही नदी पर कई झरने देखने को मिलते हैं जो लोगों को और भी आकर्षक लगता है। नदी की धारा ने यहां नदी तल में स्थित पत्थरों पर अजब गजब की कलाकृति बनाई है जिसे देख पर्यटक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस जलप्रपात के समीप स्थित गुफा का रहस्य भी प्राचीन काल से जुड़ा है। तमासीन वाटरफॉल झारखंड का एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। यही वजह है कि यहां हर साल लाखों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से पर्यटक पहुँचते हैं। तमासीन वाटरफॉल फल्गु नदी पर स्थित है। ये नदी गहरी घाटी में बहती है। फल्गु नदी की गहराई तकरीबन 60 फीट की है। इस नदी पर बनने वाला जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 30 फुट है। यहाँ एक के बाद एक दो जलप्रपात हैं। इसके अलावा इस नदी पर कई और झरने हैं जो लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। फल्गु नदी की तली में कठोर चट्टाने पाई जाती हैं जिस पर नदी की जलधारा ने अजब गजब कलाकृति की है। नदी धारा ने इन कठोर चट्टानों को तराश कर चिकना कर दिया है। नदी की तली पर कहीं कहीं नदी धारा ने चट्टानों को काट कर कुआं जैसा आकृति बना दिया है। वहीं नदी की धारा ने कहीं कहीं चट्टानों पर आकर्षक कलाकृति भी बना दी है। यह सब देख कर पर्यटक भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे तो यहाँ सालों भर पर्यटक तमासीन वाटरफॉल देखने पहुँचते हैं, लेकिन सबसे अधिक भीड़ जाड़े की ऋतु में होती है। ये झारखंड का एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है जहाँ लोग दूर दूर से पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। नंबर 12, पारसनाथ हिल्स। दोस्तों, शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है। ये एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है।
श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थांकरों सर्वोच्च जैन गुरुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की है। यहीं 23वें तीर्थांकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। 1350 मीटर ऊंचा ये पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। नंबर 13 जोन्हा फॉल्स। दोस्तों, जोन्हा फॉल रांची शहर के लिए एक प्रतीक बन गया है। लुभावने रूप से सुंदर इस लटकती घाटी की पहली झलक अविस्मरणीय है। यहाँ आने के बाद इसकी यादें लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। यहाँ हर दिन कई पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। ये अधिक भीड़ से दूर है और आप आसानी से किसी भी समय यहाँ का आनंद ले सकते हैं। ये झरना रांची से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 14 तेनू घाट डैम। दोस्तों, तेनू या तेनू घाट भारत के झारखंड राज्य के बोकारो जिले में स्थित एक शहर है। ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ सन 1978 में तेनू घाट डैम बनाया गया था, जिससे तेनू के पश्चिम में तेनू घाट जलाशय बन गया। तेनू घाट डैम का निर्माण दामोदर घाटी निगम के नियंत्रण के बाहर बिहार सरकार द्वारा 1978 में दामोदर घाटी निगम के निर्माण के लिए किया गया था। नंबर 15 जगन्नाथ मंदिर रांची। दोस्तों, रांची का जगन्नाथ मंदिर पुरी के मंदिर के जैसा ही है। ये मंदिर शहर से 10 किलोमीटर दूर है। 17वीं सदी के इस मंदिर में हजारों पर्यटक आते हैं। ये शहर के लोकप्रिय स्थानों में से एक है और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय रथ यात्रा के समय का है। रथ यात्रा जून जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए आपको कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ से आप शहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ आने का अच्छा समय सुबह से दोपहर तक और दोपहर बाद शाम से है। नंबर 16 लोध वाटरफॉल लातेहार। दोस्तों, लोध जलप्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित एक खूबसूरत झरना है। लोध जलप्रपात नेतरहाट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लोध जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत है और पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। लोध जलप्रपात प्रदेश के सबसे ऊंचाई के झरने हैं, जो लगभग 468 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं। लोध जलप्रपात इतना खूबसूरत है कि जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। नंबर 17 पंचघाग वाटरफॉल्स। दोस्तों, रांची से 50 किलोमीटर दूर स्थित पंचघाग जलप्रपात स्थानीय लोगों के बीच एक पसंदीदा स्थान है। ये पिकनिक स्थल के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। झरने का नाम इस तथ्य से मिलता है कि यहाँ से 5 झरने गिरते देखे जा सकते हैं। यदि आप सप्ताह के अंत में यहाँ आते हैं तो आप कई स्थानीय लोगों को सुंदरता और शांति के साथ आनंद लेते हुए देखेंगे। बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता होगी। नंबर 18 बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। दोस्तों, देवघर जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 51 शक्तिपीठों में से एक है और हिंदू कैलेंडर प्रणाली के मुताबिक श्रावण के मेला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये भारत में कुछ जगहों में से एक श्री शैलम के साथ है, जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। देवघर यात्रा में जुलाई और अगस्त यानी कि श्रावण के बीच प्रत्येक वर्ष 7 से 8 लाख श्रद्धालु भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जो सुल्तानगंज में गंगा के विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र जल लाते हैं और देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। ये भगवान शिव को पेश करने के क्रम में उस महीने के दौरान भगवा रंगे कपड़ों में लोगों की एक लाइन 108 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। ये एशिया का सबसे लंबा मेला है। नंबर 19 चांडिल डैम जमशेदपुर। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित चांडिल डैम सुंदर सुंदरता का एक स्थान है। ये बांध झारखंड की सबसे ज्यादा देखी गई जगहों में से एक है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं, जो 2000 वर्ष पुरानी लगती हैं।
बहुउद्देशीय चांडिल डैम दोनों नदियों की बैठक के दौरान बनाया गया था। बांध की ऊंचाई 220 मीटर है और इसके पानी के स्तर की ऊंचाई अलग अलग जगहों से 190 मीटर की है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को नौकायान और बांध के आसपास और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद देता है। चांडिल डैम अपने क्षेत्र के महत्व के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। स्वर्णरेखा नदी इस क्षेत्र के माध्यम से बहती है। हुंडरू से होने वाले काकोरी नदी चांडिल में स्वर्णरक्ष नदी के साथ मिलती है। नंबर 20, पलामू किला। दोस्तों, पलामू के मैदान के इलाकों में जो पुराना किला है वो चेरो वंश से भी पहले बनाया हुआ है और उसे राजा रक्षेल ने बनाया था। हालांकि उस दौरान राजा मेदनी राय का शासन था, जिसने पलामू के मेदनी नगर से 13 साल तक यानी कि 1662 से 1674 ईस्वी तक शासन किया था। पुराने किले को सुरक्षा दृष्टि से उसे फिर से बनवाया गया है। राय चेरो जनजाति के राजा थे। उसका साम्राज्य दक्षिण में गया हजारीबाग और सुरगुजा तक था। उसने दोईसा पे हमला कर दिया और छोटा नागपुर के राजा को हराया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए रांची और हजारीबाग से बहुत सारे बसेज बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। बस सुविधा के कारण कोई भी बड़ी आसानी से दलतों राज पहुँच सकता है। रांची और हजारीबाग से दलतों राज तक पहुँचने के लिए बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है। दलतों राज को जाने के लिए रांची, पटना, हजारीबाग और नेतरहाट से बहुत सारी रेलगाड़ी शुरू की गई हैं। दलतों राज पलामू से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन में आता है। तो दोस्तों, आप झारखंड के किन किन जगहों पर घूम चुके हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे पहले चैनल संजीव मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स दिखाई जाती हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।